साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे विद्यार्थी पैसा के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं। उनके लिए आवश्यक सूचना है, यदि आपकी आर्थिक तंगी है तो उस तंगी को आप पढ़ते लिखते दूर कर सकते हैं। आप जिस मुकाम पर जाना चाहते हैं उस मुकाम को प्राप्त भी कर सकते हैं। जॉब अपडेट के बारे में देंगे, ये सरकारी जॉब नहीं है, ये प्राइवेट जॉब का अपडेट है। आप साधारणतः यदि मोबाइल चलाते हैं, मोबाइल से काम कर सकते हैं, तो आप 2 से 3 घंटा भी देकर आप अपने रहने खाने का व्यवस्था कर सकते हैं। यदि आप इच्छुक उम्मीदवार होंगे तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। आप पूछिएगा ये सर कहाँ मिलेगा, कैसे मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। यदि आप इच्छुक उम्मीदवार होंगे तो आप कमेंट कीजिएगा, तो आपको नंबर दिया जाएगा, उस नंबर पे बात करके आप जुड़ सकते हैं। ये 100% गारंटी होगी, इस बात को समझेंगे। यदि आप इच्छुक हैं तो जरूर जुड़े। क्योंकि मैं आपसे बता दूं कि जो विद्यार्थी लोगों को मैं देखता हूं कि आर्थिक अभाव के कारण बहुत टेंशन में रहते हैं, उस टेंशन का समाधान मेरे पास है। उस टेंशन को समाधान करने के लिए ये वीडियो है, तो आप जरूर देखेंगे। यदि आप इच्छुक हैं, वह महिला भी हो सकती है या पुरुष भी हो सकते हैं, दोनों में से कोई उम्मीदवार होंगे तो वह जुड़ सकते हैं। एक आपसे बता दें, थोड़ा सा ध्यान देंगे, जॉब लोकेशन की बात करेंगे तो ये पटना में आपको मिलेगा। जॉब लोकेशन कहाँ है तो पटना आपको देना होगा, यानी कि पटना अगर आप रहते हैं तो आप आ सकते हैं। स्टूडेंट सपोर्टिंग के लिए चाहिए, और यदि आप स्टूडेंट को, चूंकि ये इंस्टीट्यूट में है, इंस्टीट्यूट में चाहिए, तो इसका 10 पोस्ट खाली है। यदि आप इच्छुक हैं स्टूडेंट को सपोर्ट कर सकते हैं, तो किस किस में, थोड़ा सा इस पद के बारे में बताएंगे, तो आप यदि अच्छा इंक्वायरी ले सकते हैं। यदि आप स्टूडेंट को अच्छा डील कर सकते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। और एक काउंसलर का पद खाली है, इसमें हमको चाहिए 40 स्टूडेंट। ये केवल और केवल स्टूडेंट के लिए है, स्टूडेंट आ सकते हैं। यदि स्टूडेंट इच्छुक हैं तो किसी भी पद के लिए, बस वह पटना रहते हैं, जॉब लोकेशन पटना होना चाहिए, पटना उनको जॉब मिलेगा। आप जाने कि आपको मार्केटिंग का भी जॉब है, यदि कोई मार्केटिंग के इच्छुक उम्मीदवार होंगे तो उनके लिए हमको चाहिए मैक्सिमम 50 स्टूडेंट रह सकते हैं मार्केटिंग के लिए, ठीक है, तो आप आ सकते हैं। यदि आप मार्केटिंग करना चाहते हैं, मार्केटिंग के इच्छुक उम्मीदवार हैं, तो भी आप आ सकते हैं। यह सैलरी की बात करेंगे, आप पूछिएगा कि सैलरी सर कैसे मिलेगा, तो सैलरी आपके योग्यता के अनुसार, आप किस तरीका से काम करते हैं उसके अनुसार मिलेगा। यदि कोई विद्यार्थी चाहते हैं कि मैं 2 ही घंटा काम करूं, उनके लिए भी जॉब है, वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। और आपसे बता दें, ये जो जॉब मिलेगा वह आपको एक प्रतिष्ठा के साथ मिलेगा। स्टूडेंट है, चूंकि मैं इस दर्द से गुजरा हूं, तो मैं हमेशा प्रयास करता हूं कि किसी भी स्टूडेंट को पैसा के कारण पटना से घर नहीं जाना पड़े। किसी भी स्टूडेंट को मेरे जानकारी में वह यहां से यदि घर चल जाता है पैसा को लेकर, तो मुझे बहुत दर्द होता है। यदि मैं जानता हूं तो प्रयास करता हूं कि उस समस्या का समाधान किया जाए, जितना हो सके मेरे से मैं कोशिश करता हूं। क्योंकि मैं उस दौर से गुजर चुका हूं, अभी भी गुजरता हूं, इसलिए मेरा हमेशा प्रयास होता है कि एक व्यक्ति के यदि प्रयास से 2 व्यक्ति भी लाभान्वित हो रहा है तो बहुत अधिक हुआ। तो मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप यदि आते हैं, आप इच्छुक हैं, आपके पास पैसा नहीं है, आप छात्र छात्राएं कोई भी हो सकते हैं, तो आप जरूर कांटेक्ट करेंगे, आप मैसेज करेंगे, उसमें आपको नंबर दिया जाएगा। अगला आइएगा, ग्राफिक्स डिजाइन यदि आप करते हैं, आप कंप्यूटर पर काम करते हैं, तो आपके लिए भी 5 पद खाली है। यदि आप कंप्यूटर पर काम करना चाहते हैं, ग्राफिक्स डिजाइन बनाना चाहते हैं, या कंप्यूटर के अच्छा नॉलेज रखते हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, नंबर दिया जाएगा, आपसे रिज्यूम मांगा जाएगा और आप रिज्यूम देंगे। यदि आप उस इंटरव्यू में सिलेक्ट होते हैं तो आपको मिलेगा, 5 पद खाली है। आगे आइएगा, कंटेंट राइटिंग को लेकर, कंटेंट राइटर के लिए तो आपके लिए भी पद है, और केवल 10 है। सब्जेक्ट भिन्न भिन्न है, मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सभी चलेंगे, तो आप भी आ सकते हैं। आप इच्छुक हैं तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। लेकिन एक बात को ध्यान में रखेंगे, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है, तो आप कोशिश करेंगे, यदि आप इच्छुक हैं तो पहले कमेंट करें, ताकि यदि फुल फिल हो जाएगा तो फिर मैं आपको निराश हाथ लगना पड़ेगा। तो इसलिए मेरा प्रयास रहता है कि जो स्टूडेंट है वह हमेशा प्रयास करें कि आप इसमें जुड़े। आप यदि चाहते हैं कि नहीं हमको 4 घंटा देना है, तो आप 4 घंटा भी दे सकते हैं।
आप चाहते हैं कि मुझे 8 घंटा देना है तो 8 घंटा भी दे सकते हैं, आप चाहते हैं मुझे 6 घंटा देना है तो 6 घंटा देना दे सकते हैं। और सैलरी की बात फिर एक बार बता दें कि आपका जो पेमेंट होगा डेली भी ले सकते हैं, साप्ताहिक भी ले सकते हैं या मंथली भी ले सकते हैं, जिस तरीका से। मैं ये मोड क्यों रखा हूं, इसके पीछे रीजन है कि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं जिनको सप्ताह में भी पैसा की जरूरत होती है, बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जिनको मंथ में मिले तो काम चल जाए, लेकिन यदि आप चाहते हैं कि आपको प्रतिदिन चाहिए, साप्ताहिक चाहिए, तो यह भी व्यवस्था है, उस तरह का भी काम है, तो आप जुड़कर काम कर सकते हैं। और एक बात आपसे बता दें कि ये सभी यदि बात करेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं या जॉब लोकेशन पटना होना चाहिए। स्टूडेंट सपोर्टर के लिए एग्जीक्यूटिव का पद है 10 और काउंसलर का 40 पद है। ये दोनों में थोड़ा सा अंतर है, आप समझेंगे कि एक है एक नहीं है, मैं उसको बताऊंगा। आप जब कमेंट कीजिएगा, जब आप आइएगा रिज्यूम लेकर, तो उस समय सबका मैं बता दूंगा क्या क्या काम है, कैसे है। ग्राफिक्स डिजाइनर का भी पद है 5, आप आ सकते हैं, आप दे सकते हैं। और कंटेंट राइटर के लिए भी यदि आप इच्छुक हैं, आपको लगता है कि आप लिख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं, आप काम कर सकते हैं, तो भी आप आ सकते हैं। इस एक वीडियो को यदि मान लिया जाए, किसी विद्यार्थी को लगे कि नहीं उनके लिए इसमें नहीं है, तो आप शेयर करेंगे ताकि जिसको भी जरूरत है उस जरूरतमंद तक जरूर पहुंचे। मेरा हमेशा से प्रयास रहता है कि जरूरतमंद की सहायता किया जाए। इसके लिए आप जो भी विद्यार्थी है वो ये सोचते हैं कि मैं जब कमाने लगूंगा, जब जॉब लग जाएगा तब सहायता करूंगा, नहीं, आप इस समय भी सहायता कर रहे हैं। कोई वीडियो देख रहे हैं वह आपके लायक नहीं है, किसी जूनियर को शेयर किए, मान लीजिए उसको इसमें से जॉब कोई अच्छा लगे तो वह करेगा, उसके पास कहीं आप यदि शेयर किए किसी ऐसे व्यक्ति के पास चला गया जिसको जॉब की नितांत आवश्यक है, जो जॉब के बिना पटना नहीं रह सकता है या जॉब के बिना उसका काम नहीं चल सकता, तो उसके लिए तो आप एक सहयोगी का काम किए, तो इसलिए आप लोग शेयर करेंगे ताकि वो किसी भी जरूरतमंद के पास पहुंचे, तो आपके लिए एक उपकार का काम होगा। और आपको उनके द्वारा भले कोई थैंक्स बोले या ना बोले, मैं सबको थैंक्स बोलूंगा, तो इसलिए आप लोग जरूर वीडियो को शेयर करेंगे। जय हिंद, जय भारत।